हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम्स के कुछ मेजर साइन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो मैं नहीं बनाती क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है कि 25 साइन मैंने आप लोगों को बताया है उस वीडियो में कि अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो ये 25 साइन आप लोगों के साथ मैच करेगी। यहाँ से अगर 20 साइन भी आप लोगों के साथ मैच कर जाता है तो आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ओके। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे डीएफ्स मुझे मैसेज करते रहते हैं कि उन लोगों को डाउट है अपने जर्नी में, उन लोगों को पता नहीं है कि वो सच में ट्विन जर्नी में है या फिर सोलमेट जर्नी में है, और दो इंसान में से वो लोग कंफ्यूज है, ओके, कि उनका ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है, कौन डीएम है, ये उनको पता नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, हर टाइम सोचते रहते हैं, उनको दो इंसानों में से मतलब दोनों की तरफ से साइन मिलते हैं और पता नहीं होता है उन लोगों को कैसे, मतलब उनको पता चले कि वो सच में ट्विन जर्नी में है कि नहीं। तो बहुत लोग टैरो रीडिंग पे बिलीव नहीं करते, तो टैरो रीडिंग नहीं करवाना चाहते वो कि टैरो रीडिंग में क्या कहेगा, ओके। तो ये सारे बहुत सारे आप लोगों के मन में डाउट थे, सारे डीएफ्स के सोचते रहते कि सच में क्या मैं ट्विन जर्नी में हूँ या नहीं। किसी ने अगर कह दिया तो उस पर बिलीव तो करते, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनको ऐसे नेगेटिव कुछ साइन मिल जाते हैं कि वो लोग सोचते कि नहीं, मैं ट्विन जर्नी में नहीं हो सकती, ओके। ये सारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कंफ्यूशन होते हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊँ। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर ये सारे पॉइंट्स आपके साथ मैच करते तो आप लोग श्योर ट्विन जर्नी में हो, अगर मैच नहीं करते तो आप लोग ट्विन जर्नी में नहीं हो, ओके। और फिर भी अगर आपको मतलब नहीं लगे कि आप ट्विन जर्नी में हो कि नहीं, पॉइंट्स भी मैच नहीं करते हैं, फिर भी लगता है कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ, तो अपनी इंट्यूशन से पूछो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी इंट्यूशन। अगर आप इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन काम पे लगाओगे, ठीक है, आपकी गट फीलिंग्स आपको क्या कहेगी कि ये इंसान मेरी ट्विन फ्लेम है कि नहीं, या फिर कोई और मेरा ट्विन है कि नहीं, मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं, तो अपनी इंट्यूशन से पूछो। अपनी इंट्यूशन से सबसे मतलब बड़े कुछ नहीं होता है, उनके आगे कुछ नहीं होता, अपनी इंट्यूशन ही सब कुछ होता है, ओके। और अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और डीएफ हो, तो आपकी बचपन से आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, बचपन से ही आपकी इंट्यूशन काम करने लगेगी, ओके। अगर फिर भी लो होता है तो आप लोग मेडिटेशन करो, थर्ड आई चक्रा पे काम करो, ओके, अपने 7 चक्रास पे काम करो, उनको एक्टिवेट करो, हील करो, तो आपकी इंट्यूशन वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगी, ओके। और मैंने कभी भी किसी से टैरो रीडिंग नहीं ली, ये कंफर्म नहीं किया कि मैं सच में ट्विन जर्नी में हूँ कि नहीं, मेरा डीएम है कि नहीं, ना किसी से सेशन लिया है, ओके। मेरी इंट्यूशन है, मुझे बताते हैं, मेरे गॉड ही मुझे बताते हैं कि यही मेरा ट्विन है, ओके। क्योंकि वो आपके लाइफ में आने के बाद आपको कोई और मतलब पसंद नहीं आएगा, कोई भी आ जाए, राजकुमार आ जाए, कोई भी आ जाए, स्वर्ग से अप्सरा आ जाए, फिर भी आप उन्हीं को ही प्यार करोगे, उन्हीं को ही अनकंडीशनल लव करोगे, उन्हीं को ही चाहोगे, उन्हीं से शादी करना चाहोगे। कोई भी आपके सामने आके खड़ा हो जाए, गॉड भी क्यों ना हो, ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ, तो फिर भी आप उन्हीं को ही चाहोगे। तो यही है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आप उनके सिवा किसी और से शादी भी नहीं करना चाहोगे, किसी के साथ खुश भी नहीं रहोगे। अगर आप शादी कर भी लिए अपने फैमिली मतलब फोर्स से, ओके, फैमिली आपको फोर्स करके शादी करा लिया, फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपने शादी कर भी ली किसी और से, सोलमेट या फिर कार्मिक हो, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह पाओगे उनके साथ, ना सोलमेट के साथ आप खुश रहोगे, ना कार्मिक के साथ, किसी के साथ भी आप खुश नहीं रह सकते सिवाय उनके सिवा। आपके ट्विन आपको जो भी कहे, आपको जितना भी इग्नोर करे, आपको गाली दे, ठीक है, आपके साथ मिसबिहेव करे, आपको डिसरिस्पेक्ट करे, फिर भी आप उन्हीं को ही चाहोगे, उन्हीं को ही प्यार करोगे और उनकी सारी गलतियां आप माफ़ करते जाओगे। यही है ट्विन कनेक्शन, ट्रू ट्विन कनेक्शन, ओके, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो वीडियो मैं बताऊंगी आप लोगों को कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स, ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि वो आपको जितना भी डिसरेस्पेक्ट करे, जितना भी इग्नोर करे, आप उन्हीं को ही लव करोगे और माफ़ करते जाओगे, ठीक है। कोई अगर आपके साथ कुछ छोटे से भी भूल कर दे, अगर आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाओ, लेकिन आपके डीएम जितनी भी बड़ी गलती कर ले आपके साथ, या फिर ओके आपके मतलब
आपको डिसरेस्पेक्ट करे तो आप उनको माफ़ कर दोगे आसानी से, भूल जाओगे और फिर से उनसे बात करने स्टार्ट कर दोगे, उनको लव करना स्टार्ट कर दोगे, ऐसे होगा। ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी के साथ इतने ज़्यादा इंटेंस लव फील करते हो तो किसी और के साथ नहीं कर पाते हो, तो वो आपके सच में DM है, सच पे आप लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। लेकिन सोलमेट में भी ऐसा नहीं होता कि कभी आपको लगेगा कि वो मुझे इतने ज़रा डिसरेस्पेक्ट करते ये करते हैं, तो आप उन्हें भी माफ़ नहीं कर पाते हो, ठीक है, कभी कभी। लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप आसानी से उनको माफ़ कर दोगे। ओके, और किसी ने मुझसे पूछा था, मतलब बताया है कि DM थोड़ी ना ऐसा करता है, गाली देता है, मारपीट करता है, तो ऐसा होता है क्योंकि DM कभी कभी कार्मिक के भी रोल प्ले करते हैं। अगर आपके लाइफ में कार्मिक ना हो, ठीक है, गॉड ने जैसा प्लान किया है, हर ट्विन फ्लेम जर्नी में, ओके, हर ट्विन फ्लेम जर्नी अलग अलग होती है, किसी का भी सेम नहीं होता है। मैं जो आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो मेरे जर्नी आप लोगों के साथ मैच नहीं कर सकते और आपके जर्नी मेरे साथ मैच नहीं कर सकते। ओके, तो मेरे, ओके, मैं जैसे कह रही हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव जो मैं कह रही हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को हो सकता है मतलब कुछ ठीक ना लगे कि मेरे साथ तो ऐसा होता है, इसी के साथ तो ऐसा होता है। तो कभी भी देखो, कभी भी अपने जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर मत करना। ओके, ये एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखोगे, कभी भी अपनी जर्नी को किसी और के जर्नी के साथ कंपेयर मत करना कि इसी का तो रीयूनियन हो गया, ये मतलब इसने तो ज़्यादा इनर वर्क भी नहीं किया, इतने ज़्यादा ग्रो कर लिया, DM भी उनके लाइफ में वापस आया, तो ये उनका कर्मा है। हर ट्विन फ्लेम जर्नी पास्ट लाइफ की कर्मा पैकेजेस को देख कर ही क्रिएट होता है। ओके, तो आपके लाइफ में क्या कर्मा पैकेजेस है ये थोड़ी ना मुझे पता होगा, ये ना आपको भी पता होगा, ये सिर्फ गॉड को पता है। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो तब आपको हो सकता है पता चल जाए, लेकिन उससे पहले तो पता नहीं चलेगा ना। तो इसी वजह से कभी भी अपनी जर्नी के साथ किसी और के जर्नी को लेकर कंपेयर मत करना। ओके, और देखो, जो भी आपके कर्मा में है, जो भी मतलब गॉड ने क्रिएट किया है ना, जो ये जर्नी, तो गॉड जैसा भी प्लान किए है हमें ऐसा ही चलना है। ओके, तो ये आपको जानना है। तो हाँ, वहाँ किसी ने कहा था कि DM थोड़ी ना ऐसा होता है, तो DM भी कार्मिक के रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे ट्विन जर्नी में कार्मिक नहीं होते हैं, हो सके DM के लाइफ में हो, आपके लाइफ में नहीं हो, फैमिली भी कार्मिक हो सकता है, फ्रेंड्स भी कार्मिक हो सकता है और DM भी कार्मिक हो सकता है एक टाइम पर, जब आपकी अवेकनिंग चल रही होती है या फिर अवेकनिंग से पहले, तो DM कार्मिक के रोल प्ले करते हैं किसी किसी के। ओके, ये सभी के जर्नी में नहीं हो सकता है, किसी के हो सकता है, तो तभी DM आपको मारेगा भी, आपके साथ गलत मिसबिहेव भी करेगा, आपको गाली भी दे सकता है, तो ये तब DM नहीं होता है, तब आपकी वो ट्विन नहीं होता, तब वो आपकी कार्मिक होता है। लेकिन आपकी जब अवेकनिंग हो जाती है, आप एसेंशन प्रोसेस को पार कर लेते हो, ठीक है, कंप्लीट कर लेते हो, तब धीरे धीरे जाके DM चेंज होने लगते हैं। ओके, तब DM के अंदर से वो कार्मिक चला जाता है। ओके, आप दोनों के बीच में जो कार्मिक रिलेशन था वो ख़त्म होने लगता है, और एज ए फ्रेंड कनेक्शन कह लो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन जो मैंने स्टेजेस बताया है वो हो जाता है, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन चले जाते हैं। लेकिन जिनके लाइफ में यूनिवर्स ने ये प्लान किया होता है, तो इसके लाइफ में कोई और कार्मिक इंसान आएगा या फिर किसी के लाइफ में कार्मिक नहीं है, तो DM खुद कार्मिक के रोल प्ले करते हैं। तो ये सब कुछ गॉड ने बनाया हुआ है, ये ना हमें पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, किसी को नहीं पता होता है कब क्या हो जाएगा इस जर्नी में। ओके, बहुत मिस्ट्रियस जर्नी होती है ये, कब आपको क्या एक्सपीरियंस मिल जाए ये किसी को नहीं पता होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप फील करते हो कि वो आपकी लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमेशा। ओके, और ये आपको पहले से पता होता है, आपके ट्विन आपके लाइफ में आने से पहले से आपको पता होता है कि कोई ऐसा आएगा जो मेरे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, ये आपको पहले से पता होता है, और आप उनको पहले मीटिंग में ही पहचान जाओगे। आपको फील होगा कि इसके साथ मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर पहले भी हम मिल चुके हैं। ओके, तो ऐसे आपको फील होगा, बहुत अपना सा फील होगा, पहले मीटिंग में ही आप उनको बहुत मतलब कंफर्टेबल फील करोगे, आप उनके साथ सेफ फील करोगे। नेक्स्ट है, उन्हें मिलने के बाद आपको लगता है कि आप सेफ हो। ओके, आपको अपना घर मिल गया, आप कंप्लीट हो जाते हो उनको मिलकर के, आपकी जो सपना था कोई ड्रीम बॉय मेरे लाइफ में आएगा या फिर लव
को लेकर जो आपके ड्रीम है वो सपना सब कुछ मतलब सच हो जाता है, आपको ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील कर दो मतलब ओके इससे आपको फील होता है। नेक्स्ट कि आप उनके बारे में मतलब सोचना बंद नहीं कर सकते कभी भी नहीं ओके सभी कहते हैं कि ट्विन को लेट गो करो, डीएम को लेट गो करो फिर सब कुछ होगा, तो लेट गो करने का मतलब भूलना नहीं है ओके उनको बस लव एनर्जी आप लोग सेंड मत करना, यही कहा जाता है लेट गो मतलब आप अपने काम में बिज़ी हो जाओ ठीक है, और अपना काम करो, अपने करियर को सुधारो, अपने हीलिंग करो, अपने वूंड्स को हील करो, अपनी लाइफ की ग्रोथ में लग जाओ, आपकी सोल ग्रोथ में ओके एंड लाइफ के करियर में ये सारी चीज़ें ग्रोथ करो कि डीएम के बारे में ज़्यादा मत सोचो। लेकिन एक चीज़ तो सच है, ये मैं भी मानती हूँ कि डीएम को आप कभी सोचना बंद नहीं कर सकते, आप जितना भी जो भी कर लो आपके चाह कर भी उन्हें भूल नहीं सकते और उनके बारे में सोचना भी बंद नहीं कर सकते। आप अगर कॉन्शियस माइंड में उनको मतलब सोचना बंद भी कर दो, कंट्रोल भी कर लो ये चीज़, लेकिन क्या होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड आपकी वो उनके बारे में सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे आपके दिमाग में आता ही रहेगा उनको लेकर, पास्ट में अगर आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है वो सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में चलता ही रहेगा। नेक्स्ट है कि उनसे दूर रहना आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, आप उनके साथ मतलब उनसे एक सेकंड भी दूर नहीं रह सकते, एक सेकंड भी बात करने मतलब करना बंद नहीं कर सकते। सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैंने थोड़ी टाइम वीडियो को ऑफ कर दिया था ओके सॉरी ऑडियो को ऑफ कर दिया था ओके जो भी हो सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते रहते हैं कमेंट्स में कि बैकग्राउंड नॉइज़, तो मैंने कहा उन लोगों को आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। टैरो रीडिंग की जो वीडियो है यूनिवर्स 11/11 चैनल पे वहाँ पे भी मैं बताती रहती हूँ कि सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, मैं बहुत ट्राई करती रहती हूँ लेकिन होता नहीं है बैकग्राउंड नॉइज़ को कम करना ओके पता नहीं ओके सॉरी जो भी हो आप लोग थोड़ा सा ओके मैनेज कर लेना ओके कोई नहीं। तो उनसे दूर रहना बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा आपको ओके तो आप कहोगे कि सेपरेशन में हम लोग रहते हैं बात नहीं होता है, देखती भी नहीं है के कुछ भी नहीं होता है, दूर भी होते हैं हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस जो होते हैं कनेक्शन, तो हाँ तभी तो हम रहते हैं डीएफ का ओके तभी तो रहना ही है आपको, कोई मतलब बात नहीं है, लेकिन आप उनसे दूर नहीं रह सकते ओके तो अपने ट्विन से दूर आप नहीं रह सकते जितना भी ट्राई कर लो। होते हैं सेपरेशन में, तो सेपरेशन में कैसा होता है हम लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं डीएफ्स ठीक है उनसे दूर, तो अवेकनिंग के बाद जब आप मेडिटेशन करते हो, चक्रा हीलिंग करते हो, इनर वर्क करते हो ओके तो ये सारी चीज़ें करते करते क्या होता है आपको ऐसा फील होता है कि डीएम आपके साथ ही है, आप ये मतलब एक्सेप्ट कर लेते हो डीएम आपके साथ है, और सोल मर्जिंग के बाद तो आपको एकदम से एकदम फील ही नहीं होता है कि वो आपसे दूर, वो हमेशा आपके साथ है, आपसे बात करते रहते हैं ओके किसी ना किसी साइन के ज़रिए वो आपसे बात करते रहते हैं ओके। और बहुत सारे लोग मतलब इनर वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा गलत सोचते हो आप लोग, तो इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी ज़रूर, ऑलरेडी मैंने इनर वर्क के मतलब बहुत सारे वीडियो बनाए हैं आप लोग वो देख लेना, फिर भी मैं बनाऊंगी एक मैंने सोच के रखा है कि बहुत सारे डीएफ्स मुझे बताते रहते हैं कि मैंने चक्रा हीलिंग कर लिया, मैंने मेडिटेशन कर लिया, बहुत सारी चीज़ें करते हुए ये मंत्रा जाप कर लिया, बहुत सारे मंत्रा जाप कर लिया, अब फिर भी क्यों नहीं हो रहा है ओके तो देखो ये सारी चीज़ें मंत्रा जाप ओके मेडिटेशन चक्रा हीलिंग इससे भी इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ इसे इसे मतलब इनर वर्क नहीं कहते ओके इनर वर्क मतलब है अपने लाइफ को सुधारना, अपने सोल को सुधारना, अपने सोल ग्रोथ, अपने सेल्फ ग्रोथ को ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं इनर वर्क। मिरर एक्सरसाइज सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इनर वर्क में, ये इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी मिरर एक्सरसाइज के बारे में, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस को कैसे हील करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्विन फ्लेम में, तो ये मैं बनाऊंगी ज़रूर आप लोगों के लिए, मैं इस पर रिसर्च कर रही हूँ और मेरे एक्सपीरियंस से थ्रो में ओके बना रही हूँ वीडियो, तो ज़रूर मैं अपलोड करूँगी, थोड़ा सा वेट कर लेना ओके। देखो चक्रा हीलिंग और मेडिटेशन क्या होता है, खुद को कंट्रोल करने के लिए ओके खुद को रिलैक्स करने के लिए एक इनर वर्क होता है, लेकिन अपने लाइफ को सुधारने के लिए कि डीएम मेरे लाइफ में आ जाए, रीयूनियन हो जाए, ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है कि आप मेडिटेशन कर लो, चक्रा हीलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मंत्रा जाप कर लो और आपके डीएम आपके पास आ गए, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही टफ जर्नी होता है गाइस ये ओके।
ये बहुत ही टफ जर्नी होता है। आप इन सारी चीज़ों को मतलब सिर्फ देखकर या फिर कर कर आपकी डीएम आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते है। इसके लिए आपको बहुत पावरफुल बनने पड़ते हैं, ओके, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब इतना कुछ कर लो कि आपकी मतलब बहुत सारे ईयर्स ऐसे मतलब के हो जाते हैं कि फिर भी डीएम नहीं आते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं कर रहे हो। और जो लोग पास्ट लाइफ से ऑलरेडी इनर वर्क करके रहते हैं, तो उनकी लाइफ में होता है कि थोड़ा सा इनर वर्क कर लो और डीएम वापस आ जाते हैं अपनी लाइफ में, ओके। लेकिन जो इस जर्नी में मिले हैं, इस लाइफ में आपको इनर वर्क करना पड़ता है, तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा टाइम लगता भी है। और सबसे मेन चीज़ है पेशेंस एंड ट्रस्ट, लेकिन आप लोगों के अंदर ना पेशेंस है ना ट्रस्ट है, ओके। जो सारे डीएफ्स मुझसे जुड़े हुए हैं उनके अंदर एकदम पेशेंस चीज़ ही नहीं है, एकदम पेशेंस नहीं है आपने, ओके। आप बुरा मानो तो मानो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, आपके आपके अंदर एकदम ही पेशेंस नहीं है। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो आप लोग। मैं हमेशा कहती हूँ पेशेंस रखो, बिलीव रखो, नहीं करते हो, मैं क्या करूँ। और ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ सरेंडर करो, पेशेंस रखो, गॉड के ऊपर विश्वास रखो, गो विद द फ्लो। जैसे यूनिवर्स आपको ले जा रहे हैं ऐसे उस फ्लो में चलते जाओ, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत, लेकिन फिर भी आप लोग सोचते हो, टेंशन करते हो डीएम कब आएगा। एक ही मतलब क्वेश्चन आप लोगों के मुंह में है, डीएम कब आएगा। मुझे कैसे पता होगा डीएम कैसे कब आएगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, आपके इंट्यूशन से पूछो कि क्या सच में आपकी इनर वर्क काम कर रहा है, क्या आप इनर वर्क मतलब आपकी ठीक से कर रहे हो, क्या आपको फील होता है कि डीएम आएगा, डीएम आपसे बात करता है, आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है, आपके अंदर डीएम डीएफ मर्ज हो चुकी है। ये चीज़ पहले देखो, फिर जाके ये पूछो कि डीएम कब आएगा, क्या डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है। आपकी अगर टोटली अवेकनिंग हो चुकी है तब जाके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। आप अगर खुद अवेक नहीं हो तो कैसे डीएम अवेक्ट हो सकता है। डीएम तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ही रहेगी अगर आप खुद डिस्टॉर्टेड फेमिनिन हो तो, ओके। जिस दिन आप पूरी तरीके से डीएम को लेट गो कर डालते हो, आपकी मतलब आपके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आए या फिर ना आए, आपके माइंड में ये बात नहीं होती है कभी कि डीएम आएगा मुझसे शादी करेगा, तब जाके आप फुल्ली अवेक्ट होते हो, ओके। ये बात आप याद रखना, ओके। तो इस वीडियो में मैंने और भी आप लोगों को थोड़ी सी मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी, आई होप आपको इस इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिले, ओके। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं ये सारे डीएम को लेकर। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा है कि ठीक है, दो तीन ने मुझसे पूछा कि मैम आप किस स्टेज पे हो, तो मैं हारमोनियस रीयूनियन की स्टेज पे हूँ, ओके। मेरी भी परमानेंट ट्रेनमेंट अभी नहीं हुई है, ओके। तो मैं हारमोनियस में हूँ, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने कभी ऐसा इंटेंस लव आज तक कभी फील नहीं किया है किसी इंसान के साथ भी नहीं, ओके, अपने डीएम के अलावा। उनसे मिलने से पहले ही आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को फील करते रहते हो, ओके। मतलब आप दोनों सोचो कि आज आप लोगों की मेट होने वाली हो, लेकिन ना आपको पता है ना उनको पता है, ठीक है। आप भी घर से निकले या फिर कहीं जा रहे हो तो आपको ना आगे से ही ऐसा इंट्रेशन आएगा कि आज उनसे मेट होने वाला है, ओके। तो आप सच में उनसे मेट हो जाते हैं आपके, ऐसा आपको होता है, ओके। उनको भी लगेगा, उनको भी ऐसा इंट्रेशन आएगा कि आज हो सकता है कि आज रास्ते में उनको देख लो या फिर कहीं जा रहा है, तो सच में आप दोनों की मेट हो जाता है। हो सकता है बात ना करो, ठीक है, हो सकता है आप उनको देखो या फिर वो आपको ना देखे, कोई एक इंसान की आंखों में तो पड़ जाएगा कि हाँ आज मेट होने वाला है, और आप देख भी लोगे और आप सोचोगे भी अरे मेरे तो इंट्यूशन आया था इससे, मैं तो पहले ही जान लिया था कि आज उनसे मुलाकात होने वाली है, तो सच में उन्हें देख लिया, ठीक है। ये तो ये इंट्यूशन आपकी होगी, आप दोनों की एनर्जी आप फील कर लेते हो, क्योंकि आप मतलब हम दोनों की मतलब डीएम एंड डीएफ की एक कॉर्ड कनेक्शन होता है, तो उस कॉर्ड की वजह से आप दोनों हमेशा जुड़े रहते हो, ओके। तो उसकी वजह से आप लोग ना एक दूसरे की एनर्जी को फील कर लेते हो कि कब उनसे मेट होगा, कब वो मुझे मैसेज करेगा, कब फ़ोन करेगा। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि आप दोनों की जितनी बार भी सेपरेशन हो जाए, आप दोनों जितनी बार भी सेपरेटेड हो जाओ, लेकिन बार बार लास्ट आप लोग आके फिर से मिल जाते हो,
जो भी कारण हो, जो भी रीज़न हो, आप दोनों एक साथ मिल ही जाते हो, फिर से एज ए फ्रेंड रह लो या फिर से एज ए लवर रह लो, ठीक है, लेकिन वापस तो आ ही जाता है जितनी बार, जितनी भी दूर चले जाओ आप लोग, ठीक है, ये गॉड आपको मिलवा ही देता है। आप अगर चाहो भी तो कि मैं उनसे कभी नहीं मिलूँगी या मिलूँगा, आज से बंद सब कुछ, लेकिन फिर भी गॉड ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर लेता है कि आप दोनों को मिलना ही पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप सच में ट्विन जर्नी में हो तो। ओके, नेक्स्ट है कि आप बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे को मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हो एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है आप दोनों के लिए। ओके, जैसे मैग्नेटिक पुल कहते हैं उसी तरह आप मतलब खिंचाव एक फील करते हो, एक पुल महसूस करते हो एक दूसरे को लेकर। ओके, नेक्स्ट है कि आप लोगों की ज़्यादा मीटिंग बातचीत तो नहीं होती है, पर फिर भी आपको लगेगा कि वो हमेशा आपके पास है एंड मतलब कंप्लीट फील करते हैं आप दोनों एक साथ। ओके, आप ऐसे फील करते हो। वैसे भी ट्विन जर्नी में ज़्यादा मीटिंग नहीं होती है, ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, क्योंकि बबल फेज थोड़े टाइम के लिए होते हैं, और फिर भी अगर मीटिंग हो, बातचीत हो, तो एज ए फ्रेंड होती है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि आप दोनों हमेशा बातचीत करते रहते हो। वही एक बार अगर मीट कर लिया तो उस मतलब मीटिंग आपको सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगी, और आपको ऐसा फील होता रहेगा कि उस दिन ही तो मीटिंग किया है। अगर 2 साल पहले भी आप मीट करते हो तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने तो मतलब कुछ दिन पहले ही मीट किया, ऐसे आपको फील होगा, आपको नहीं लगेगा कि वो 2 साल की 2 साल आगे की बात है, ठीक है, ऐसे आपको फील होगा। नेक्स्ट कि आपकी इंट्यूशन बताएगा कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा स्पेशल कनेक्शन है। आप अगर नहीं जानते हो पहले कि ट्विन कनेक्शन कैसा है, किसी को नहीं पता होता है कि ट्विन जर्नी क्या होता है पहले, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे ये फील होता था कि हम दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा मतलब स्पेशल कनेक्शन है, क्यों हम दोनों अलग नहीं हो पाते हैं। मुझे भी ऐसा होता था कि जितना भी दूर चला जाओ लेकिन फिर भी गॉड कुछ ना कुछ करके हम दोनों को एक साथ ला ही देता था, ठीक है, ऐसे होता था। तो ऐसे होता है कि आप लोगों को पहले पता नहीं होता है, पहले भी आप लोग ऐसे टेम वीडियोस नहीं देखते हो जब कनेक्शन में आए हो, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि कुछ तो स्पेशल कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट है हम दोनों के बीच में, कुछ तो कनेक्शन है। ओके, ऐसा आपको फील होता रहेगा। नेक्स्ट है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ओके, धीरे धीरे से पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, आप जो पहले थे बाद में ऐसा नहीं रहोगे वो आने के बाद आपके लाइफ में, ठीक है, ऐसा आपको होगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में। आप जो मतलब डेली रूटीन आपकी चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट है एक दूसरे को आप मिरर करते रहते हो, क्योंकि DMDF दो मिरर सोल होते हैं ट्विन जर्नी में, ठीक है, और आप दोनों की इंटरेस्ट भी सिमिलर ही होंगे। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों को देखना कि आपके हैबिट्स उनके हैबिट्स भी मैचिंग हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है मिररिंग। इसी वजह से मिरर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस जर्नी में। दोनों टेलीपैथी के लिए बातचीत करते हो, एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हो, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो टेलीपैथी है, उनको भी पता नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है। आप सोचोगे अगर बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग आपकी इंट्यूशन आती है कि वो मुझे मैसेज करेगा, काश वो मुझसे मैसेज करे, मुझे बात करे, ठीक है, आपके दिल से एक आवाज़ आए कि बहुत इच्छा हो रही है उनसे बात करने की, उनसे मैसेज करने की, तो आप देखना कि वो आपको मैसेज कर देता है, वो आपको कॉल कर देता है, ऐसा ही होगा। आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी। एवेंडेंस मतलब जो भी मतलब हो, जो भी वे में हो, मनी हो या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ठीक है, मनी में कुछ आपकी ब्लॉकेजेस थी तो मतलब मनी ब्लॉकेजेस ख़त्म हो गया, या फिर आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे हो, आपकी कुछ बैड हैबिट्स थे वो ठीक होने लगते हैं, तो ये चीज़ें आपकी होने लगती है जब आपकी ट्विन आपके लाइफ में आते हैं, तो उनकी वजह से मतलब आप अवेक होते हो, ठीक है, और अवेकनिंग के बाद आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएगा, आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगोगे, वो आपके लाइफ में आने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा पीस फील करने लगते हो, लव फील करने लगते हो, ऐसा फीलिंग एक मतलब एक्स्ट्रा ही फीलिंग होता है ये, ठीक है, बहुत एक रेयर मतलब फीलिंग होता है कि आप मतलब आप बता के वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, मैं भी देखो नहीं बोल पा रही हूँ कैसे मतलब होता है वो फीलिंग। सिर्फ जो ट्विन कनेक्शन में है सिर्फ उन्हीं को ही पता होगा ये कनेक्शन, ये फीलिंग्स क्या होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक इंटेंस फील होता है वो जब आपके सामने आता है, ठीक है, उनसे अगर बात होती, उनकी अगर बात आपके माइंड में आ भी जाए, ठीक है, वो आपसे बात भी नहीं करता, आप लोग सेपरेशन में हो, बहुत मतलब मन से आप लोगों की बात भी नहीं हुई है, आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर भी हो, लेकिन फिर भी क्या होता है
उनकी बात जब भी कोई अगर कह दे या फिर आपके माइंड में अचानक से उनके ख्याल आ जाए तो भी आपकी मतलब हार्ट में ऐसा एक मतलब बहुत सुंदर सा फीलिंग्स आता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे किसी को। ओके ऐसा होता है। तो ये है अगर आप सच में ट्विन जर्नी में हो तो। ओके और आपकी लाइफ सुधर जाता है। आप खुद मतलब आईने के सामने खड़े होकर सोचोगे कि मैं क्या थी और क्या बन गई। बहुत कुछ चेंज होता है, आप मैच्योर बन जाते हो, बहुत कुछ होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में आप लोगों को बताई। तो अगर आपके साथ ये मैच होता है तो आप सच में ट्विन जर्नी में हो, ठीक है। फिर मुझे मत पूछना मैं सच में कि मैं सच में ट्विन जर्नी में हूँ कि नहीं, ये मेरा डीएम है कि नहीं। तो मैं पहले कहूँगी कि आप लोग अपने इंट्यूशन से पूछो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी इंट्यूशन, और गॉड से साइन मांगो। मैं हर टाइम कहती हूँ गॉड से साइन मांगो। सपने में ही मांग लो कि गॉड मुझे सपने में कुछ ऐसा साइन दे दो कि ये मेरा डीएम है कि नहीं। ओके आप नहीं करते हो, कोई बात नहीं। तो ये वीडियो आप देख लो, अगर रेजोनेट करो तो अच्छी बात है। आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, ठीक है। और लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मेरे साथ बने रहना। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल गाइस। टेक केयर, गुड लक।